हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त शुभम गोस्वामी। कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच का सीरीज बता रहा था, जिसमें मैंने आपको सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रॉफी को बता दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं आपको पांचवा बताऊंगा, जिसका नाम है हाइपरबोल। तो हाइपरबोल जो है, इसका हिंदी होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? तो ये तो आप अतिशयोक्ति अलंकार हिंदी में तो आप पढ़े ही होंगे, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा इंग्लिश में, क्योंकि मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश का बता रहा हूँ। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क का पूछा जाता है। तो फ्रेंड, हाइपरबोल क्या है? इन हाइपरबोल ये स्टेटमेंट इज मेड इम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। तो आप इसको समझ गए होंगे, स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए आप, स्टेटमेंट एंड ओवर स्टेटमेंट। तो मतलब स्टेटमेंट को ओवर स्टेटमेंट बनाया जा रहा है, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार में एक कथन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर प्रभावी बनाया जाता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? वह अलंकार जिसमें किसी कथन को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, अतिशयोक्त अलंकार कहलाता है। जैसे इंग्लिश में है, इन हाइपरबोल ये स्टेटमेंट इज मेड इम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। तो फ्रेंड, इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया जाए कि युद्ध में खून की नदियां बह गई। तो क्या युद्ध में खून की नदियां बह गई थी या युद्ध में खून की नदियां बह जाएंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। जैसे वह इतना रोया कि सागर भर जाए, तो इतना कोई कैसे रो सकता है कि सागर भर जाए? तो यहाँ इन ये सब जो है क्या है? हाइपरबोल, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार। तो फ्रेंड, आप इसका एग्जांपल देख लेंगे तो आई होप कि आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो फ्रेंड, हाइपरबोल का फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। तो फ्रेंड, शायद आपको पता होगा क्या होता है रिवर, मतलब नदियाँ, रिवर्स मतलब नदियाँ, ऑफ ब्लड खून की, फ्लोड बह गईं, इन द बैटल यानी कि युद्ध में। तो युद्ध में खून की नदियाँ बह गईं। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्स ऑफ ब्लूड, यानी कि खून की नदियाँ क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। तो आप, आई होप कि आपको फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ गया होगा, रिवर्स ऑफ ब्लूड फ्लोड इन द बैटल, यानी कि युद्ध में खून की नदियाँ बह गईं। अब आपको मैं सेकेंड एग्जांपल बताऊंगा इसका। तो इसका फ्रेंड सेकेंड एग्जांपल है सीमा बेप्ट, ओशियन ऑफ टीयर्स। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीमा बेफ्ट रोई, ओशियन ऑफ टीयर्स यानी कि सागर भर। तो सीमा सागर भर रोई, यानी कि सीमा इतनी रोई कि सागर भर जाए। तो उसके आंसू इतने थे कि सागर भर सकता है। यहाँ पर क्या है फ्रेंड? बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है फ्रेंड। तो आपको ऐसे ही समझना है इन सब एग्जाम्पल्स को, तभी आपके समझ में आएगा। अब आपको फ्रेंड मैं थर्ड एग्जांपल भी बता देता हूँ। तो इसका थर्ड एग्जांपल क्या है फ्रेंड, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। तो थर्ड एग्जांपल जो है, आई हैव नॉट सीन माई ब्रदर फॉर एजेज। तो आई हैव नॉट सीन नहीं देखा है मेरे ब्रदर भाई को फॉर एजेज, मतलब युगों से। मैंने अपने भाई को युगों से नहीं देखा, यानी कि इतने दिन हो गए, यानी कि युग बीत गए, मैंने अपने भाई को नहीं देखा है। तो भाई, युग बीत जाएंगे और आप अपने भाई को नहीं देखेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको
हाइपरबोल समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।